शुक्र अभिनंदन वंदन और पूरे देश या पूरी दुनिया का धन्यवाद जो अपने जीवन को आबाद करने के लिए आप सब विहर्ष की पाठशाला से निरंतर कई महीनों से जुड़े हुए और यूं ही पूरे जीवन भर जुड़े रहे। हिम्मत नहीं हो रही, आज पहली बार महाराष्ट्र से मैं विगत 18 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और आज महाराष्ट्र के मैं बाजू में बैठा हूँ। शब्द नहीं है, शब्द घूम गए मेरे पास से। और जैन नहीं हूँ, जरूरी नहीं था कि मैं जैनों में जन्म लेता, पर ये सिर्फ महाराज जी का वारसा लेके हुए उन्होंने मुझे जाति से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से मुझे जैन बनाया। और मैं कई मंदिरों में गया वंदना की, और अभी मैं लाइव में महाराज जी की क्लास को मैं देख रहा था तो बहुत सारे मंदिरों में गए तो बहुत सारे भगवान की हमने जो वेदियों को देखा तो ये लगता था जैसा पाषाण मिल गया होगा वैसी प्रतिमा का निर्माण कार्य करने का दिया होगा। पर आज मुझे सच में 18 वर्ष में पहली बार ये पता चला कि हमारे 16 भगवान का रूप रंग कैसा था और बाकी के शेष भगवानों का रूप रंग आज एक एक छोटे से श्लोक में महाराज जी ने हम सबको बताया, शायद आप लोगों को भी पता नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने जन्म तो लिया है जैनों में लेकिन हमने अध्यात्म की ओर अपना कदम नहीं बढ़ाया। तो जो ऑनलाइन है वही संसार में ऑनलाइन है और जो ऑनलाइन है वही वास्तव में ऑफलाइन है। आज पूरी दुनिया ऑनलाइन है पर हम सब ऑफलाइन बना ऑनलाइन, तो इस ऑफलाइन से हम सब जुड़े हुए हैं। और एक आप सब से विनती ये है कि अभी एक 6 साल के बच्चे ने बहुत सुंदर संस्कृत का कुछ श्लोक गाया हुआ था, क्या 6 साल के बच्चे ने संस्कृत का कैसा शिखर लगाया, बहुत सुंदर। और ये तो महाराज जी से आप संस्कृत की जो वाणी सीख रहे हैं वही असली वैक्सीन है हमारी। अभी तक मैंने वैक्सीन नहीं लगवाया हुआ है, नियम दिया हुआ था कि मैं सबसे पहले महाराज जी के पास जाकर के पहले मैं विहस सीन अपनी रूह में उतारूंगा, उसके बाद झांसी जाकर मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। क्योंकि जिसका विश्वास है उसका जीवन है और जिसका जीवन है उसके जीवन में वात्सल्य गुरु की छत्र छाया है। तो आप सब कमेंट में आज ये लिखेंगे महाराज जी ने बताया हुआ था कि भगवान का ऐसा ऐसा रंग है, तो आप सब कमेंट में आज